क्या बात है जीजी, अभी अभी वीरेन बता रहा था कि तुम चारों धाम की यात्रा करने निकले, लेकिन तुमने तो कहा था कि पोते का मुंह देखे बगैर तुम कहीं नहीं जाओगे, तो फिर ये अच्छा ना। इस घर में जो कुछ चल रहा है ना, उसमें एक पल भी रहना मुश्किल है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। जी में तो आता है कि चारों धाम जाऊं, तो कभी लौट कर ही नहीं आऊं। कैसी बातें कर रही हो जीजी, अभी तो आपको अपनी पोते पोतियों की शादी करवानी है। जाने दे सुमित्रा, मेरा अब रिश्तों पर से विश्वास उठ गया है। अरे इस घर में कोई है जो सही मायने में रिश्ते का मतलब समझता हो? ऐसे घर में रहने से फायदा है क्या, जहाँ भाई भाई का दुश्मन हो गया? लेकिन बुआ जी, जिसकी गलती है उसे दोष दीजिए ना। अगर छोटे बड़ों का लिहाज नहीं करेंगे तो यही होगा। ऐसा है भैया, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद को आईने में देख लेना चाहिए। चुप रहो तुम दोनों, बहुत बकवास हो गई। तुम लोगों की इन्हीं बातों की वजह से ये घर मरघट बनता जा रहा है। कितने शर्म की बात है कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से जीजी को घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। जीजी, अगर आपको मेरी कोई बात से दुख पहुंचा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। दुख? रागिनी, ये सिर्फ दुख की बात नहीं है। तुमने, मैंने, हम सब ने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन आज इस परिवार में जो हो रहा है उससे मुझे दुखी नहीं बल्कि शर्म आ रही है। अरे हम लोग क्या थे और क्या हो गए हैं? राजकोट के लोग जानते थे कि मल्लिका, शिवानी, राजेंद्र सब ठाकुर घराने के बच्चे हैं। कोई फर्क नहीं महसूस कर सकता था कि कौन विक्रम के बच्चे और कौन सुरेंद्र के। अरे दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई हमारे परिवार को। अब एक भाई आंग दिखाता है तो लगता दूसरा उसकी गर्दन ही काट डालेगा। नहीं, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। रुकिए बुआ जी, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। चाय पीकर एक बार फिर से मामले को सुलझाने की कोशिश करती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पीनी चाय, ले जाए इसको। अनुपमा, क्या हुआ? अरे 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 अर